हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लिए मैं द क्रो जो कहानी है आपके ब्लॉसम में, उसके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लेकर आया हूँ। और सबसे अच्छा होगा कि आप बुक को सामने में रखें और तब आप सुनेंगे तो आपको सारा चैप्टर एक ही सेशन में, एक ही क्लास में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स में। तो बी सेक्शन है, स्टोरी के बाद बी जो लिखा हुआ है, बी लेट्स थिंक एंड टेल। तो उसमें है, बी वन में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब शॉर्ट में आपको जवाब देना है। तो पहला है, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन। तो इसका आंसर होगा, द एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन इज ऑफ 25 ईयर्स। नंबर टू में आते हैं, डिड द फादर रिपीट द सेम क्वेश्चन डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। सो डिड द फादर रिपीट द सेम क्वेश्चन डेलिबरेटली, से यस और नो, गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर होगा, Yes, the father asked the same question deliberately because his son asked him any question many times when he was a child, but the father never felt irritated but replied to him and hugged him lovingly each time he asked. The father wanted to see whether his son had the same love and patience that he had for him when he was a child. अब नंबर थ्री में आते हैं, हाउ डिड द ओल्ड मैन मेंटेन हिज रिकॉर्ड सिंस हिज सन्स बर्थ। तो इसका आंसर होगा, द ओल्ड मैन मेंटेन हिज रिकॉर्ड सिंस हिज सन्स बर्थ बाय राइटिंग हिज एवरी एक्सपीरियंस इन हिज डायरी। अब नंबर फोर में आते हैं, इसमें है, हु वॉज मोर टॉलरेंट ऑफ द टू, सन और फादर। तो टॉलरेंट जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनको कहते हैं। तो हु वॉज मोर टॉलरेंट ऑफ द टू, सन और फादर। तो इसका आंसर होगा, एज फादर वॉज ओल्डर एंड हैड एक्सपीरियंस्ड मोर ऑफ लाइफ, ही वॉज मोर टॉलरेंट देन हिज सन। मैं रिपीट करता हूँ, एज फादर वॉज ओल्डर एंड हैड एक्सपीरियंस्ड मोर ऑफ लाइफ, ही वॉज मोर टॉलरेंट देन हिज सन। अब हम सी सेक्शन में आते हैं और इसमें है, लेट्स थिंक एंड राइट। और सी वन में जैसा कि आप सामने देखते हैं, राइट इन द ब्रैकेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नंबर वन में हम देखते हैं, द ओल्ड मैन वॉज इलिटरेट, मतलब अनपढ़। तो द ओल्ड मैन वॉज इलिटरेट, तो ये फॉल्स है। नंबर टू, द सन वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल टू हिज फादर, तो ये फॉल्स है। नंबर थ्री, द ओल्ड मैंस डायरी वॉज टॉर्न, तो ये ट्रू है। नंबर फोर, द सन लर्न फ्रॉम द डायरी दैट हिज फादर वॉज वेरी केयरिंग, ये ट्रू है। और नंबर फाइव में है, द फादर टॉलरेटेड एवरीथिंग दैट द सन डिड एज अ चाइल्ड, तो ये ट्रू है। अब सी टू में हम आते हैं। तो सी टू में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 टू 60 वर्ड्स। अब इसमें है, नंबर वन में, व्हाट मेड द ओल्ड मैन ब्रिंग हिज डायरी एंड आस्क हिज सन टू रीड आउट अ पर्टिकुलर पेज। तो इसका आंसर होगा, व्हेन हिज सन वाज अनॉयड एंड शाउटेड एट हिम फॉर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, द ओल्ड मैन ब्रॉट हिज डायरी फ्रॉम रूम एंड आस्क हिज सन टू रीड आउट ए पर्टिकुलर पेज। अब नंबर टू में आते हैं और क्वेश्चन है, What did the son learn about himself when he was a child? How did his father treat him? What difference does he notice in his behavior towards his father? How, according to you, may he have felt after this? So, iska answer hai, the son learned how he asked his father the same question repeatedly, but his father never felt annoyed but hugged him each time lovingly when he was a child. The son notices that his father was much more tolerant than him. अब नंबर थ्री में आते हैं।
Is it right to consider your old parents as a burden? Justify your answer. तो इसका आंसर होगा no. It is not right to consider our old parents as a burden because they gave us all love and care in our growing years. As they cared for us selflessly, we must also take care of them when they grow old. अब हम नंबर 4 में आते हैं और इसमें think of another suitable title for the story. तो टाइटल तो आप भी स्टूडेंट्स अपने मन से समझ कर दे सकते हैं, फिर भी मैंने एक टाइटल सजेस्ट किया है और इसका आंसर आपके लिए मैंने लिखा है. एंड अनदर टाइटल ऑफ द स्टोरी कैन बी लव एंड टॉलरेंस. अब हम सेक्शन डी में आते हैं. सेक्शन डी में लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर. तो डी वन में है फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स. तो पहला है ए में है अनएक्सपेक्टेडली, तो इसके आगे आप लिखेंगे सडनली, SUDDENLY. बी में है मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसके आगे आप लिखेंगे इरिटेशन, IRRITATION. एक तो ये होगा, तो उसके बाद कॉमा देके आप लिख सकते हैं रिबफ, REBUFF. रिबफ मतलब उलट कर गुस्से से जवाब देना. और उसके बाद कॉमा देके आप तीसरा वर्ड भी लिख सकते हैं अफेक्शन, AFFECTION, मतलब स्नेह से जब आप किसी से बात करते हैं या आपका व्यवहार ऐसा होता है तो उसको हम अफेक्शन कहते हैं. उसके बाद सी में है नॉट डिफरेंट या आइडेंटिकल, तो इसका होगा सेम, SAME. उसके बाद है डी में रिपीटेडली, तो इसके आगे हम लिखेंगे अगेन एंड अगेन. उसके बाद ई है, तो ई में ए लार्ज कंफर्टेबल सीट विथ बैक एंड आर्म्स, तो इसको कहते हैं सोफा, SOFA. और उसके बाद हम आते हैं एफ में, जो लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ लव, तो इसको कहते हैं अफेक्शन. तो पहले भी मैंने ये वर्ड दिया था आपको, AFFECTION. अब हम डी टू में आते हैं, तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग वाउल्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स. तो इसमें पहला वर्ड होगा एजुकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पहला होगा एजुकेशन, दूसरा होगा मेंटेन, तो एजुकेशन स्पेलिंग EDUCATION, मेंटेन MAINTAIN, तीसरा होगा विंडो WINDOW. उसके बाद होगा इरिटेट, IRRITATE. और उसके बाद होगा एक्सप्रेशन, EXPRESSION. अब हम D3 में आते हैं और यह लास्ट है, तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, यू मे यूज वन वर्ड मोर देन वंस. तो इसमें हम लिखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं बताता हूँ आपको, आवर पेरेंट्स, अब ध्यान से सुनेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे. Our parents have cared for us since our childhood. They have loved us selflessly. They have worked hard to make us happy. It is our duty to keep them happy. We should be obedient and kind to them. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है. जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारे आंसर्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और ख़ासकर स्पोकन इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है और टॉकिंग स्किल है, मतलब बोलने की जो क्वालिटी होती है, उसको आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे और आप इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोलने लगेंगे. तो इससे आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आपके स्कूल में भी टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.